बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू स्किन एंड हेयर सीक्रेट चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेमेडी मेरी ख़ास उन लड़कियों के लिए है जो कम वक़्त में रंग गोरा करना चाहती हैं, वो भी बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू आजमूदा तरीका, जिससे सिर्फ 10 मिनट में आपका रंग गोरा हो जाएगा और आपके चेहरे की जिल्द पर कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। व्यूवर्स, ये बात तो तस्लीम करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ गोरा रंग हर किसी को पसंद है। हर लड़की ये चाहती है कि वो गोरी और दिलकश नज़र आए, इसीलिए वो हर तरीका इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहती है, चाहे इससे इनके चेहरे पर बुरे असरात पड़ने का भी डर हो। तो ऐसी ही मेरी बहनों के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए रेमेडी तैयार करते हैं। 1 चम्मच बेसन ले लें, 1 चम्मच लीमू का जूस ले लें, 1 चम्मच शहद शामिल कर लें और इसके साथ मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच अरके गुलाब। इस मिक्सर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और लीजिए व्यूअर्स, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार है। अब मैं इसको लगाने का तरीका बताती चलूँ कि आपने इस पेस्ट को 20 मिनट के लिए अपने चेहरे और गर्दन पर लगा लेना है। जब यह खुश्क हो जाए तो आपने रगड़कर इसे उतार लेना है और फिर नॉर्मल पानी से चेहरा धो लेना है। तो व्यूअर्स, इसके एक बार के इस्तेमाल से आपके चेहरे की मैल खचैल भी उतर जाएगी और इसके साथ साथ ये आपकी रंगत निखार देगा और चेहरे को देगा इंस्टेंट ग्लो, जिससे आपकी शख्सियत जाज़बे नज़र होगी। इसके इस्तेमाल से चेहरे की रंगत काफ़ी सुथरी और गोरी हो जाएगी और स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। किसी शादी या कोई भी फंक्शन पर जाने से पहले एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आप फार्मूला क्रीम्स को छोड़ देंगे, इसको हफ्ते में एक बार लाजमी इस्तेमाल करना अपनी रूटीन बना लें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक कर दीजिए और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने अजीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।